हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी मैथ की वर्कशीट नंबर 7 9 अगस्त की आ गई है और आपको अपनी डायरी में वर्कशीट करने से पहले सभी बच्चों को अब विद्यार्थी का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद सेक्शन और स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद अपनी क्या करनी है, वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके बच्चों, तो देखिए आज की वर्कशीट में हमें किसके बारे में बताया गया है। हमें बताया गया है कि हम समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट दिए गए होंगे और उनको हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। उनका क्या करते हैं बच्चों, पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण या ट्रांसफ़र करने के बाद ही हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए आज की वर्कशीट में आपको बताया गया है कि हमने उस समीकरण को हल करना सीखा है, हमने उस समीकरण को हल करना सीखा है जिनके एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे पक्ष में क्या है, संख्या है। पहले वाली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था कि एक पक्ष में रैखिक व्यंजक और दूसरे पक्ष में क्या हो, संख्या हो। तो आज हम उस समीकरण का हल करना सीखेंगे जिनके दोनों पक्षों में क्या हो, रैखिक व्यंजक हो। जिसके दोनों पक्षों में क्या हो बच्चों, रैखिक व्यंजक हो। ओके, अब देखिए ध्यान दे कि चर दोनों पक्षों में उपस्थित है, चर एक ही पक्ष में रहे। जैसे आपके दोनों पक्षों में चर भी दिए होंगे और जो कांस्टेंट पद दिए गए होंगे वो भी होंगे। तो आप क्या करोगे, जैसे वेरिएबल या चर को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट पदों को एक साइड कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पक्षांतरण करने के बाद में ऐसा हम कर सकते हैं कि वेरिएबल या चर वाले पदों को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट पदों को एक साथ कर देंगे। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, और बड़ा कर लेते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 3x-4=2x-5 समीकरण को हल करके आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसने क्या किया, 3x-4=2x-5। तो इसने क्या किया, दाएं पक्ष में 2x को हटाने के लिए 2x को दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, घटाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पक्षांतरण भी कर सकते हो। पक्षांतरण करने का मतलब हुआ कि 3x, और जब 2x को हम इससे बराबर के पहले लेके आते हैं तो इसका क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज होने का मतलब हुआ कि इधर 2x प्लस का है, जब इसको हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जैसे 2x-2x=-5, -5। जैसे यहाँ पर -4 क्या है आपका, माइनस का है, जब इसको हम राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये चिन्ह चेंज होकर प्लस का 4 हो जाता है। कैसा 4 हो जाता है, प्लस का 4 हो जाता है। जब 3x-2x में से 3x में से जब 2x हम -1 करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आएगा, x=-5 में से +4 जाते हैं तो 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, x=1। और हमें देखिए एक बार, अभी इसने हमें जो प्रोसेस दी गई है उसके अकॉर्डिंग है, यदि हम देखें तो हमें दिया गया है कि 3x-2x-4 या =2x-2x-5। तो x-4=-5। तो 4 को बाएं पक्ष से हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो x-4+4-5+4, तो x=-1। क्या आ गया आंसर, x=-1। अब देखिए आपको, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपका क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपको क्या दिया गया, 14-2x+2=2x+2+4x को हल करके x का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे हमने x का मान निकाला तो हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने लिख लिया, ये आपकी इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इक्वेशन लिखने के बाद में 14-1 कॉमन ले लिया, तो -2x+2=2x+2+4x।
ओके बच्चों, तो 14 माइनस 1 इंटू 2x माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से क्या किया हमने अंदर मल्टीप्लाई, तो 14 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2 इजिकल टू 2 इंटू एक्स, इसमें फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कोष्टक के, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4x। ओके बच्चों, अब क्या किया हमने, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 14 माइनस 2x माइनस 2 इजिकल टू 2x प्लस 4 प्लस 4x, तो 12 माइनस 2x इजिकल टू 6x प्लस 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 8x इजिकल टू 4, 12 माइनस 8x माइनस 12 इजिकल टू 4 माइनस 12, तो माइनस 8x इजिकल टू माइनस 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एग्जांपल नंबर 3, देखिए एग्जांपल आपको बिल्कुल, इनमें आपको कैलकुलेशन करनी है, इनमें समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको इसमें समझाया जाए, इस वजह से मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन 4, उनको बहुत अच्छे से देखना है सभी बच्चों को एक बार। ओके बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, 4x प्लस 3y2 इजिकल टू माइनस 1y2x माइनस 5। तो समीकरण को हल करके क्या करना है, फिर वो x का मान निकालना है। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी, 4x प्लस 3y2 इजिकल टू 1y2 माइनस x, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोनों पक्षों के चरों को हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2 इंटू 4x इजिकल टू क्या हो गया 8x। 2 से जब हमने इसको गुणा कर दिया, 2 से हमने इसको x जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 2-2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई करने पर प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जैसे 2 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, फिर 2 से हमने 3y2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, फिर 2 से 1y2 को मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 2 से माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पक्षांतरण कर देंगे सीधा। देखिए पक्षांतरण करने का मतलब हुआ आपका कि 8x प्लस 3 इजकल टू एक्स माइनस 10। एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड और जो कांस्टेंट हुए उनको हम राइट साइड। तो एक्स को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का एक्स तो इधर आएगा माइनस एक्स, तो 8x माइनस एक्स तो ये कितना हो गया 7x। जब माइनस 10 इधर माइनस का है, प्लस 3 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस 3, माइनस 10 इंटू माइनस 3 तो कितना हो गया माइनस 13। ओके बच्चों, अब देखिए दोनों पक्षों को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 13/7 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए आपको आपको क्या दिया गया, इन सवालों को हल करें। आपको क्या दिया गया, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 5 इजकल टू 2x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है माइनस 4x माइनस 6 इजकल टू 3x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 3y2 इजकल टू 1y3x माइनस 7। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इजकल टू माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि 3x प्लस 5 इजकल टू 2x प्लस 8। 3x प्लस 5 इजकल टू 2x प्लस 8। अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पक्षांतरण करने पर आपको सबसे सीधी विधि बता रहा हूँ मैं इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, कि आप क्या करेंगे, पक्षांतरण या ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र में क्या करेंगे, वेरिएबल या चर पदों को एक साथ और जो कांस्टेंट पद दिए गए उनको एक साथ कर देंगे। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल क्या है 3x, सेकंड साइड क्या है 2x,
जब 2x को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो इसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 3x माइनस 2x, क्योंकि इधर आपको 2x क्या है, प्लस का है, और उधर किसका रहेगा ये, जब चिन्ह हम इसको 3x 2x को इधर लेके आते हैं तो इसका क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज। तो 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2x, प्लस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8, तो आपका क्या राइट साइड रहेगा। अब हमें 5 लेफ्ट साइड दिया गया है, जब इसे हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे या पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस 5 होने के कारण राइट साइड में जाएगा, तो इसका चिन्ह चेंज होने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। जब हम 2x माइनस 3x करते हैं तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा x, और 8 में से जब 5 कम करते हैं तो कितना आएगा, 3। तो x इजकल टू 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। x इजकल टू 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपको बहुत सीधी विधि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया, माइनस 4x माइनस 6, माइनस 4x माइनस 6 इजकल टू 3x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में वेरिएबलों को एक साइड और कांस्टेंट पदों को एक साइड करने पर, तो जैसे वेरिएबलों को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 3x जो राइट साइड में है, तो इसको जब हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो प्लस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, प्लस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस 3x। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या माइनस 4x को राइट साइड में ले जाने पर माइनस 4x का क्या हो जाएगा, प्लस 4x। तो 3x आपका प्लस का है, प्लस 4x को राइट साइड में ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। माइनस 4x का क्या हो गया, प्लस 4x। माइनस 6 आपका लेफ्ट साइड में माइनस, प्लस 6 आपका राइट साइड में, लेकिन जब इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6। माइनस 6 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 12 इजकल टू 7x। ओके बच्चों, तो 7x इजकल टू माइनस वार है, तो x इजकल टू माइनस वार अपन 7। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि 3, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x प्लस 3y2 इजकल टू 1y3 माइनस 7। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो x वाले पद या वेरिएबल एक साथ आ जाएंगे, जो कांस्टेंट पद है वो एक तरफ कर देंगे। तो 3x और 1y3x इधर क्या है, प्लस, जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो माइनस 1y3x इजकल टू माइनस 7 प्लस 3y2, इधर लेफ्ट साइड में प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा, तो ये माइनस 3y2। अब हमें क्या दिया गया है, हमें इस इक्वेशन में 1y3 और -3y2 जैसे पद दिए गए, तो इनको हम सॉल्व करने के लिए या फिर लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जब 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 3 एंड 2 का एलसीएम 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6। जब हम 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 3x, तो 18x माइनस 1y3 × 6x इजकल टू -7 × 6, तो -42 या -42 -3y2 × 6, तो ये -18 आ गया आपका। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2x -42, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -9। ओके बच्चों, अब आपका जब जब 18x में से -2x जाता है तो 16x और -42 -9 कितना हो गया, -51। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -51/16, -51/16। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि 2x माइनस 3 × x माइनस 2 इजकल टू 4x प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, जो 3 को इस ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x,
जब माइनस थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री एक्स, जब माइनस थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और थ्री को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स, तो इसका क्या हो गया प्लस सिक्स एक्स, और टू एक्स आपको दिया गया था तो टू एक्स आपने लिख दिया, तो टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स आपने इसको सॉल्व किया तब आ गया, और फोर एक्स प्लस फोर आपको दिया गया है। अब क्या करेंगे, चर फदों को एक साथ और अचर फदों को एक साथ करने पर माइनस टू एक्स इन माइनस थ्री एक्स, जब माइनस दो वो सॉरी प्लस दो एक्स में से माइनस तीन एक्स जाएंगे तो आपका क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस सिक्स इजकल टू फोर एक्स प्लस फोर। अब पक्षांतरण करने पर, जब हम पक्षांतरण करेंगे तो वेरिएबल या चर फदों को एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट फदों को एक तरफ कर देंगे, तो सिक्स माइनस फोर इजकल टू फोर एक्स प्लस फोर इजकल टू फाइव एक्स इजकल टू टू, फाइव एक्स इजकल टू टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू टू अपॉन फाइव, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों टू अपॉन फाइव। अभी तक यदि अब देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर चार हो गए वर्कशीट नंबर सेवन के, सभी बच्चों को इस तरीके से सभी क्वेश्चन करने हैं और अपनी डायरी में लिख कर रखना है। अभी वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चों को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई, ओके बच्चों। और यदि अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ओके बच्चों, ओके धन्यवाद।